आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत महाकाल की शरण में पहुंचे और मत्था टेका। सरसंघ चालक सोमवार की सुबह भस्म आरती में शामिल हुए। मंदिर प्रशासक ने उनका स्वागत किया। उज्जैन के में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत सोमवार की सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान संघ के अन्य पदाधिकारी भी साथ थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गर्भगृह में महाकाल का पूजन अर्चन किया। पूजन के बाद महाकाल मंदिर समिति ने प्रशासक गणेश धाकड़ ने भागवत का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। सुबह 4 बजे भस्म आरती दर्शन करने पहुंचे सरसंघ चालक। संघ प्रमुख मोहन भागवत का पूर्व से ही निर्धारित कार्यक्रम के चलते महाकाल मंदिर को देर रात्रि से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया था। उसके प्रमुख मोहन जी भागवत यहाँ महाकाल में भस्म आरती दर्शन करने आए थे। उन्होंने भस्म आरती का दर्शन भी किया पूरे समय और उसके पश्चात फिर भगवान का पूजन किया। जो मंदिर का नियम है उसी नियमानुसार उन्होंने सेवा पूजा की और सेवा पूजा करने के बाद जब उन्हें ब्राह्मण और पुजारियों ने आशीर्वाद भी दिया तो उन्होंने एक ही बात कही कि जन कल्याण होना चाहिए और देश कल्याण होना चाहिए। यह उन्होंने भावना व्यक्त की। हम भी यही चाहते हैं कि महाकाल की कृपा से पूरा देश का कल्याण हो, जन कल्याण हो और सभी लोग सुखी हो इस देश में। यही कामना के साथ पूजा हो।